दिस पूरा स्टेट एनपीसी किधर भी है वो लोग बहुत ज्यादा बदतमीजी करता था ये कौन हेमंत भाजी हे गाइस तो कैसे हो आप लोग आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस आप लोग देख रहे हो सिंह फिटनेस हेरा। तो आज मैं फिटनेस इंडस्ट्री से बहुत सारा अपडेट लेकर आया। तो गाइस हम फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते। तो आज का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा अपडेट है जो कि हमारे हैं भुवन चौहान की तरफ से। गाइस रिसेंटली देख सकते हो उन्होंने अपना एक अपडेट शेयर करा। एंड गाइस आप लोग देख सकते हो 9 days आउट है और ये इनका करंट कंडीशन है। रियली बताऊं तो इस साल भुवन चौहान आई थिंक लगता है आज तक का सबसे बेस्ट पैकेज लेकर आने वाले हैं ऑन स्टेज दिल्ली प्रो शो में। वैसे तो बहुत सारे लोग ने बोल रहा था कि ये इस बार कॉम्पीट नहीं करेंगे दिल्ली वाले, बट इन्होंने कन्फर्मेशन कर चुके हैं कि ये कॉम्पीट करेंगे दिल्ली वाले में। और कंडीशनिंग देख सकते हो गाइस, मतलब अपर बॉडी तो ठीक है, उसके साथ साथ आप लेग्स देख सकते हो, क्वाड्स में सेपरेशन देख सकते हो, मिड सेक्शन भी इनका बहुत इस बार इंप्रेसिव लग रहा, बशर्ते पिक विक आदि अच्छे तरीके से हिट करेंगे तो ऑन स्टेज बहुत ज़्यादा मजा देखने में आएगा। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। बाय द वे आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि इनका फिजिक आप लोग को कैसा लगा। नेक्स्ट अपडेट है वो है अभिषेक यादव की तरफ से। गाइस रिसेंटली देख सकते हो अभिषेक यादव ने अपना एक फिजिक अपडेट शेयर करा। एंड इसमें देख सकते हो उन्होंने लिखा था काउंटडाउन स्टार्ट फ्रॉम टुडे। एंड देख सकते हो मीन्स लाइक अपना ये जो कंडीशनिंग जिसको हम बोलते हैं लास्ट टाइम में जो पिक विक होता है उस पर ये काम करना स्टार्ट कर दिए। एंड गाइस आप लोग देख सकते हो इस बार तो देखो फ्रंट लुक से तो साइज बहुत अच्छा दिख रहा है। एंड वेंस भी देख सकते हो बिल्कुल पॉपअप हो रहा, मसल में मैच्योरिटी इस बार सबसे ज़्यादा इनका दिख रहा। और जो सबसे मेन इंप्रूवमेंट हम लोग को देखना है तो आई थिंक अभी तक इन्होंने डिस्प्ले नहीं करा बैक। तो हम लोग को लास्ट टाइम जो देखा था इनका जो लैक रहा था वो रहा था बैक। तो इस बार देखेंगे कि अभिषेक यादव ऑन स्टेज कितना बढ़िया पैकेज डिस्प्ले करेंगे बैक का, और क्या इस बार प्रो कार्ड जीत जाएंगे या फिर नहीं आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। बहुत सारे सवाल इस पर उठ रहा है कि प्रो कार्ड फिक्स है वाट एवर जो भी है। तो आप लोग को क्या लगता है अभिषेक यादव वो कंडीशन देख कर क्या इस बार ये जीत पाएंगे प्रो कार्ड या फिर नहीं आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है आपका IFBB प्रो पंकज गजवानी की तरफ से। गाइस रिसेंटली देख सकते हो पंकज गजवानी ने अपना एक अपडेट शेयर करा। एंड ये इनका ऑफ सीजन का अपडेट है। एंड जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो भाई नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि ये इस साल कॉम्पीट नहीं करने वाले हैं। अभी ये ऑफ सीजन ले चुके हैं और एक साल का, जो कि इन्होंने इनका बहुत बढ़िया डिसीजन था मैं बोल सकता हूँ। देखो जो एक माइंडसेट बहुत अच्छे एथलीट्स होते हैं ना, उनका मतलब विजन जो होता है ना बहुत क्लियर होता है उनको क्या करना है। इनको पता है कि थोड़ा साइज पे और काम करने का है, तो इन्होंने इसीलिए एक साल का ऑफ लिया और इस बार ये साइज पे काम करके ऑन स्टेज आएंगे। एंड अभी देख सकते हो ऑफ सीजन आई थिंक लगता है अभी जस्ट इन्होंने प्रेप स्टार्ट करा है ऑफ सीजन का, तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं उस अनुसार देखें तो। एंड लेट्स सी देखते हैं कि पंकज गजवानी कैम बैक ऑन स्टेज आते हैं और कितना बढ़िया पैकेज लेकर आएंगे। एंड मेरे को ऐसा लगता है मैच वीक में वन ऑफ द बेस्ट पोजिंग मीन्स लाइक करने वाले एक एथलीट्स हैं ये। तो आप लोग कमेंट करके बताना। इनके बॉडी में हार्डनेस भी होता है ऑन स्टेज, जैसा कि आपने देखा होगा जब इन्होंने लास्ट टाइम मुंबई वाले शो में आए थे या फिर आप जब इन्होंने प्रो कार्ड जीता था। लेट्स सी गाइस देखते हैं पंकज गजवानी कितना बढ़िया पैकेज डिस्प्ले करेंगे ऑन स्टेज, वो हम लोग को जब ये अनाउंस करेंगे जब ये कि कौन सा शो में कब ये कमबैक करने वाले हैं तब पता चलेगा। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है सुपर सैम की तरफ से। गाइस रिसेंटली देख सकते हो सुपर सैम ने अपना एक अपडेट शेयर करा। एंड गाइस आप लोग देख सकते हो सुपर सैम रियली बताऊं तो बिल्कुल सुपर दिख रहा है इसमें। एंड आप लोग देख सकते हो बिल्कुल कंडीशनिंग ऑन पॉइंट लग रहा, और आई थिंक मेरे को तो ऐसा लग रहा कन्फर्मेशन मीन्स लाइक बोल सकता हूँ 70% की दिल्ली वाले शो में जरूर कॉम्पीट करेंगे। लेकिन अभी उस अनुसार बात करें तो थोड़ा सा इनको और भी ज़्यादा श्रेडेड होकर आना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो दिल्ली वाले प्रो शो में होगा कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, जहाँ पे बिलाल अली आएंगे, राहुल फिटनेस होंगे, भुवन चौहान होंगे, राजा अजीत, डेल्टा दिलीप, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा गाइस। और उस अनुसार देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंडीशनिंग लास्ट अभी 5-6 दिन में और हिट करके सुपर सैम आएंगे और ये भी एक अच्छा बढ़िया पैकेज लेकर आएंगे ऑन स्टेज। हम लोग होप करेंगे इनसे एक एक्सपेक्टेशन रखेंगे। लेट्स सी बाय द वे आप लोग कमेंट करके बताना कि इनका फिजिक आप लोग को कैसा लगा, क्या इस बार इनको क्वालिफिकेशन मिलेगा ओलंपिया के लिए, क्या ये शो को जीत पाएंगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो आज का सबसे बड़ा अपडेट सबसे बड़ा न्यूज़ है जो कि है तरुण गिल की तरफ से। उन्होंने कुछ बहुत अच्छी बात कराया तो मेरे को लगा इस वीडियो को शेयर करना चाहिए। तो आप इस वीडियो को देखना, तरुण गिल आजकल थोड़ा मीन्स लाइक बहुत अच्छे बात कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखना तरुण गिल के बारे में आप लोग क्या सोचते हो फॉर टूडे आज के इस जो उन्होंने बोला उसके बारे में, बाकी तो वो अपना खुद का वो करते हैं। लेट्स सी। भोले भाले बॉडी बिल्डर्स का चूतिया काटना बंद कर दो, दिस इज रिडिकुलस। मैं बात कर रहा हूं एनपीसी इंडिया की, जिसमें इंक्लूडेड है हेमंत अंग्रेश, शेरू अंग्रेश एंड मनीष गांधी। मेरे हाथ में ना कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है जो ये अपने स्टेट हेड्स को देते हैं।
स्टेट हेड्स का मतलब जो है कॉम्पिटिशन एनपीसी के लोकल कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराएंगे। आपको पता है इसमें क्या क्या लिखी हुई है ऐसी चीजें? इसमें एथलीट के बारे में कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एनपीसी के बारे में। पहला क्लॉज कि भाई आप लोगों से पार्टिसिपेशन फी लोगे 3500 रुपये प्लस 2500 टैनिंग फी। दूसरा उसका जो 50% होगा वो लेगी एनपीसी। तीसरा जो रीजनल हेड बेचारे जो शो करा रहे हैं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको देना होगा 1,00,000 रुपये हर शो का डिपॉजिट, इनको एनपीसी को पूछना होगा। चौथा जितना भी स्पॉन्सरशिप्स आएंगी इस शो को कराने के लिए उसका 25% एनपीसी लेगा। दिस इज रिडिकुलस। एथलीट को इतना पैसा कमा रहे हो 50 से 60 लाख रुपए, एनपीसी को सिर्फ खड़े खड़े 50% से आ रहा है। व्हाई कैन यू पे एनीथिंग टू एथलीट्स? क्या 30% प्राइज मनी देने में आपको प्रॉब्लम है? एंड सी वॉट योर पीपल जो एनपीसी के जो हैं जो जो लोकल शोज कराते हैं व्हाट दे हैव टू से अबाउट दिस। पूरा स्टेट एनपीसी किधर भी है उन लोगों से पूछना है एनपीसी का नाम पे कितना लाख रुपया हेमंत अंग्रेज के अकाउंट में जा रहा है। पैसों के लिए भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करता था ये हेमंत। कौन हेमंत भाजी? हाँ बहुत बदतमीजी करते थे पैसों के लिए। इनफैक्ट मेंशिप स्टेज पे चल रही है और ये बंदा मुझे पंजाब से फोन करके बोलता कितनी एंट्री फीस आई, पैसे का क्या हिसाब है, और मैंने उन्हें बोला पाजी चैंपियनशिप तो खत्म हो। गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है जर्मी पोटविन की तरफ से। गाइस तो रिसेंटली देख सकते हैं उन्होंने भी अपना अपडेट शेयर करा। एंड मैं आप लोग को बता दूं कि इस साल ये भी ऑन स्टेज दिखेंगे ओलंपिया के स्टेज पे, तो सबसे पहले इनको क्वालिफिकेशन लेना पड़ेगा। एंड देख सकते हो जैसा कि उन्होंने कैप्शन में लिखा था, प्रो मेंस फिजिक हाइट एंड वेट कमिंग अप आफ्टर दिस ईयर मिस्टर ओलंपिक डू ऑल फिल अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर विल बी फाइन और पुश्ड आउट ऑफ दिस डिवीजन। लेट्स सी। देखो गाइस इनका जो कंडीशन होता है ना ऑन स्टेज वो अच्छा होता है, लेकिन मिड सेक्शन थोड़ा इंप्रेसिव नहीं लगता है, और जो राउंडनेस दिखना चाहिए जो मेंस फिजिक में होता है, वेस्ट और शोल्डर का रेशियो जो सिमेट्रिक होता है, जो प्रोपोर्शन हो, तो कंप्लीट पैकेज नहीं दिखता। तो मे बी इस साल जर्मन बोर्ड पे अपना फिजिक को अपडेट करके आएंगे और अच्छा पैकेज डिस्प्ले करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि इनका फिजिक फिलहाल कैसा लग रहा। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो गुरुजी मुकेश गहलोत की तरफ से, तो उन्होंने कुछ टिप्स शेयर करा, तो आप इस वीडियो को देखना। गुरुजी के बारे में आप लोग क्या सोचते हो आप लोग कमेंट करके तो बता ही सकते हो। गुरु को लगता है कि चैंपियन मैंने बना दिया, अगर ये सच है तो फिर सारे शिष्य क्यों नहीं चैंपियन बन जाते? आप एक को या दो को या कुछ को क्यों चैंपियन बना पाए? और कई बार शिष्य को लगता है कि मैं अपने हार्डवर्क से बन गया हूँ, अगर ऐसा है तो फिर सभी हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स क्यों नहीं चैंपियन बन जाते? देखो गुरु द्रोणाचार्य एक ही अर्जुन पैदा कर पाए, भगवान परशुराम एक ही भीष्म पिता में बना पाए, एक ही कर्ण बना पाए। असलियत क्या है इस सारे खेल की? पहला स्टेप आता शिष्य की तरफ से, वो गुरु को अप्रोच करता है, गुरु के पास जाता है इस फेथ के साथ कि मैं यहाँ चैंपियन बन जाऊंगा, मुझे यहाँ अच्छी गाइडेंस मिलेगी। अगर आपकी बिलीविंग पूरी है तो समर्पण भी पूरा चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि आपने बिलीविंग तो कर लिया फिर चीज़ों को परखना शुरू कर देते हैं आप, गुरु ने कुछ बताया और आप परखना शुरू कर देते हैं, इधर उधर पूछते रहेंगे या गूगल खोल लेंगे, तो ये समर्पण नहीं और ये फिर विश्वास भी नहीं है। जहां ये गैप आया वहीं वो केमिस्ट्री खत्म। आप विश्वास करते हैं, टिके रहेंगे, पूरा समर्पण रहेगा तो डेफिनेटली आप बड़े चैंपियन बन जाएंगे, गुरु का आशीर्वाद तभी मिलेगा। गुरु चैंपियन नहीं बनाता, आपका समर्पण चैंपियन बनाता है गुरु के प्रति। तो जब तक ये समर्पण नहीं आएगा आप बड़े चैंपियन नहीं बनेंगे। एकलव्य में भी समर्पण था, गुरु के पास ट्रेनिंग नहीं करते हुए भी समर्पण था, तभी एकलव्य इतना बड़े तीरंदाज बन पाए। मेरा कहना यही है, आप में समर्पण है तो जुड़ के रहें और बिना किसी शक के आगे बढ़ते रहें। किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ठीक चल रहा है गलत चल रहा है, आप चार जगह पूछते हैं नहीं, आपने विश्वास किया है तो पूरा विश्वास करें, अदरवाइज आप वेट कर सकते हैं। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। इसी प्रकार के आपको फिटनेस के सारा अपडेट सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल सिंह फिटनेस पे मिलता रहेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय। एंड गाइस आप लोग कल मैंने एक वीडियो अपडेट कराया शेयर कराया जिसमें हमने बताया कि अभी जो हमारे प्रो शो में कौन कौन से एथलीट्स कॉम्पीट कर रहे हैं किनका क्या है, तो आप चेकआउट करना प्रीवियस वीडियो को, लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप लोग चेकआउट करना एंड वीडियो को शेयर जरूर करना।